हम लोग चितवन फॉरेस्ट रिजॉर्ट, चितवन फॉरेस्ट नेशनल पार्क पहुंच गए हैं और हम लोग वहां पे चितवन फॉरेस्ट रिजॉर्ट में पहुंचे थे। तो वहां का अनुभव हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं आपको रुकना हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वैसे ये भी कर लीजिए, हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटैलिटी उनकी अच्छी नहीं लगी और बाकी तो ठीक है, रूम वगैरह ठीक है और सर्विस बढ़िया नहीं है। तो कुल मिला के मैं उस टाइम ट्री लैंड लॉन्च के पास में पहुंच गया हूँ। यहाँ पे रिवर बैंक, सफारी क्लब, इधर सफारी क्लब, फारू लॉज, जंगल वाइल्ड लाइफ कैंप, जंगल सनसेट कैंप, काफ़ी रिजॉर्ट हैं इस रूट पे। आप जानना चाहेंगे तो हम लोग इनकी जीपीएस लोकेशन आप लोगों से शेयर कर देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मौसम यहाँ का भैरवा से काफ़ी अच्छा है जी, मौसम अच्छा है और पॉल्यूशन भी बहुत कम है। मिट्टी के घर आप देखिए, जो आपको अपनी पुरानी यादें कर सकता है, अगर आप कभी गांव में रहे हैं तो आपको गांव की यादें ताज़ा करा सकता है, और नहीं तो आपने गांव नहीं देखा है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी गांव की झलक देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से फूड स्टोर करते थे। यहाँ पे लोगों ने कुछ डाल रखा है, धान पैर से देख सकते हैं रहन सहन आप गाँव का, और आप झोपड़ी में डिश टीवी भी देख सकते हैं। ये फ्यूजन है ट्रेडिशनल और मॉडर्न वे, मॉडर्न का फ्यूजन हो गया है ये डिश टीवी, पहली बार आपके सामने है। गांव में माता जी भी टी शर्ट पहने हैं, मॉडर्न माता जी। आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं भी देखने के लिए। कॉटेज बड़ी सुंदर सुना रखी है। अब हम लोग रुकेंगे तो जो रिवर के किनारे होगा उसको कोशिश की जाएगी। जो कि हमने आपको पोखरा में भी दिखाया था, सिल्वर ओक गेस्ट हाउस, हाँ तो खैर इंडिया से मॉडल मिला ही हुआ है। हेलो, अच्छा अच्छा मीठा होता तो ये नींबू की तरह ही, मतलब रेशे वाला होता है कि और ऑरेंज ऑरेंज की तरह मीठा है, तो इसका मतलब सिट्रस फैमिली का ही। ऑरेंज जैसा होता है, दूसरे टेस्ट का होता है, बहुत अच्छा होता है। ये कब हो जाएगा था यार? ये अब 3 महीने के बाद। अभी ये कैसा होगा टेस्ट इसका? वो भी जैसा खट्टा है, अभी खट्टा होगा। इसका पेड़ लग नहीं सकता इंडिया में? हम जंगल अगली बार चलेंगे, जहाँ घूम लो क्या जंगल चल सकते हैं हम लोग क्या? क्या क्या साहब, क्या भाई साहब, क्या विचार है? यहाँ से 170-160 किलोमीटर है ये।